हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि आई एम यूजिंग नाउ डेज एंड इट्स रियली वर्किंग वेरी वेरी गुड। ओके, सो आज ही एक्सपायरी डेट पे आई गॉट अराउंड 50,000 बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी एंड इट इज रफली यू कैन से 20% रिटर्न ऑन माय कैपिटल, दो आई एम डूइंग ऑप्शन सेलिंग, दैट्स व्हाई। ओके, सो वन डे में 20% ऑप्शन सेलिंग में कमाना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बट आई एम गेटिंग दिस बिकॉज क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में वन साइडेड ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, सो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड आप चाहते हैं कि हम टेक्निकल पे ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहें तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को इफ यू लाइक दिस। ऑलराइट, सो चलते हैं जल्दी से। सो इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए सबसे पहले हमें ADX का DI जो इंडिकेटर होता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इंडिकेटर बार से, यहाँ से आप लगा सकते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। ऑलराइट, और कैंडल स्टिक को हाइकिनेशी कर दीजिए। ये नॉर्मल कैंडल है, हाइकिनेशी कैंडल है। हाइकिनेशी कैंडल में क्या आपको डिस्टरबेंस कम रहता है तो आपको ट्रेड करना इजी होता है। एंड तीसरा, आप EMA 5 लगा दीजिए। सो करना कैसे है, हाउ टू डू दिस ट्रेड, आपको सिंपली चेक करना है कि टू पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंट इज आप चेक कीजिए जहां भी ये क्रॉस आए DI प्लस और DI माइनस में, DI प्लस इज ग्रीन, DI माइनस इज रेड। रेड जब क्रॉस होता है तो बियर मार्केट को इंडिकेट करता है, जब ग्रीन क्रॉस होता है ऊपर के साइड पे तो बुल मार्केट को यानी कि लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए इंडिकेशन देता है। बट ये जो क्रॉस होते हैं इसमें हम एवरी क्रॉस को नहीं ट्रेड कर सकते, कारण है उसका, क्योंकि ये क्रॉस कुछ ही सिनेरियोज में वर्क करेंगे। अब मैं आपको वो सिनेरियोस बताता हूँ। देखिए, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और एक 30 के लेवल पे आप मार्क लगा दीजिए। सो ये जो ADX की ब्लैक लाइन है, जब भी ADX 30 के नीचे होगा या राइजिंग मोड में होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, तब ही क्रॉस पे हम एंट्री लेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्रॉस आया बट ADX डाउन मोड में था, 30 के ऊपर था, इसलिए ये एंट्री बनती ही नहीं, इसलिए हुआ भी यही। ये आज सुबह फॉल आया बट उतना ही क्विकली रिकवर कर गया, तो आपको ये पोजीशन नहीं लेनी। ओके, सो लेट मी डिस्कस द सेकंड क्रॉस जो आया था। ये जो क्रॉस आया था, देखिए आप, ये जो क्रॉस है इसमें भी सेम पोजीशन है, 30 के ऊपर है, राइट, 30 के ऊपर है ADX, तो यहाँ भी कुछ बनता नहीं था ट्रेड। बट मैंने ये ट्रेड सुबह लिया था, आई थॉट कि चलो कुछ नहीं तो प्रीमियम मीटिंग कर लेंगे एक्सपायरी का दिन है। ओके, सो मैंने ये ट्रेड लिया यहाँ पे। अब पहली बात हो गई, आपकी एंट्री बन चुकी है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पोजीशन को होल्ड कैसे करें विदाउट गेटिंग इंपैक्टेड बाय द इमोशन, और तीसरा पॉइंट आता है कि हम उसको एग्जिट कहाँ पे करें। यही किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का तीन ही कंपोनेंट होता है, वन इज एंट्री, वन इज होल्डिंग एंड हाउ टू होल्ड, एंड थर्ड इज एग्जिट, कब एग्जिट करें, होल्ड कैसे करना है इमोशन के साथ, बिना इमोशन को इंपैक्ट कराए हुए। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एंट्री तो हमने यहाँ ले ली, सुबह मैंने एंट्री ले ली थी, बट ये पोजिशन ऐसे बन नहीं रही थी, बट आई थॉट कि हाँ चलो प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा, एक्सपायरी है तो कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये जब ऊपर का ट्रेंड आया, सो इसमें अच्छा खासा पैसा बन गया। ओके, बट मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे ये क्रॉस डाउन हो गया। ओके, तो इमीडिएटली मैंने यहीं पे ही पोजीशन को काट दिया था, मेरा यही एंट्री पॉइंट था क्रॉस पे, पहली कैंडल क्लोज थी उसके बाद, तो इसमें हार्डली 6,000-5,000 माइनस हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने शायद से थोड़ा लेट एंट्री यहाँ पे लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा माइनस में मुझे चला गया। ओके, तो एज ADX इंडिकेटेड यहाँ पे एंट्री बन ही नहीं रही। सो अब थर्ड जो मेरा ट्रेड बना था, लेट मी
remove it, remove the drawings, इसमें क्या ये भी रिमूव हो जाता है इसके लिए। अब चलो थर्ड जो क्रॉस आया वो यहाँ पे आया, ओके हमारी सभी कंडीशन पे टिक मार्क हो गया, 30 के नीचे है, क्रॉस आया है, ओके। अब मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बना था यहाँ पे मैंने ले लिया, मैंने सोचा चलो इसके हाई को अपन हम ऐसा रख देते हैं, जो भी होगा देखा जाए, ओके। सो मेरा पॉइंट था कि इसको होल्ड करूंगा जब तक ये डाउन क्रॉस ना हो। अब थोड़ी ही देर बाद हुआ ये कि ADX की यू शेप बनाना स्टार्ट हो गया, सो आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस, नहीं इसको होल्ड करना ही है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 पे हमने शॉर्ट किया और सिक्स अप्रोक्सीमेटली इसने 600 पॉइंट्स का पोजिशन दिया। अब इसमें एक और कॉम्पोनेंट है जो मैं आपको बता दूंगा, EMA 200 को आप जरूर लगा दीजिए, क्योंकि इससे हमको है ना अंदाजा मिलता जाता है कि कहाँ पे तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा EMA 200 का 5 मिनट्स पे लगाते चलिए। तो ये देखिए ये ट्रेड आप यहाँ पे भी अगर आ रहा है तो आप कवरिंग कर सकते थे, ओके। सो दिस इज अप टू यू। सो ये पॉइंट मुझे बताना था आज। तो यहाँ पे हमारा 6000 लॉस हुआ, बट दिस एंट्री की 50,000 प्रॉफिट, विच इज रफली 20% ऑफ माय कैपिटल। सो ट्रेडिंग ऐसा ही बिजनेस है ट्रेडिंग में। अच्छा हाँ, इसमें आपको मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, यहाँ पे आपको 5 मिनट रखना है ट्रेडिंग, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और 15 मिनट्स एंड 1 आवर रखना है अगर आप थोड़ा लंबा ट्रेड कर रहे हैं। और ये स्टॉक्स इंडेक्स सब जगह चल जाता है, स्टॉक्स में सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है ये 30 की जगह 35 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, और क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत होते हैं, तो 35 के अगर नीचे है तो आप एंट्री ले सकते हैं वहां पे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बाद में बताऊंगा, बट अभी इसके बारे में बात करते हैं, ओके। सो अभी भी ये क्रॉस नहीं हुआ, एक्सपायरी हो गई थी, बट आपको कुछ इंडिकेशन मिलेंगे इसके ही थ्रू कि आपको पोजिशन एग्जिट कर जाना चाहिए है। जब ये ग्रीन और ये रेड लाइन एक दूसरे की तरफ करीब आते हुए दिखे, When they come closer to each other, तो आपको समझ जाना है ये निकल जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना था, यहाँ पे ये क्रॉस डाउन अप क्रॉस हुआ था और 30 के नीचे था ADX। तो अब देखिए यहाँ पे धीरे 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 ग्रीन और रेड एक दूसरे को मर्ज होने जा रहे थे। यू कैन एग्जिट इट नियर हियर, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे भी एग्जिट करते तो आपको काफी पैसा मिल जाता। सो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रीन वाला है यहाँ जब क्रॉस करने आएगा तब तक ये बहुत बड़ा डाउन मूव हो चुका होगा, ऐसा नहीं होता है। ये खाली इंडिकेशन आपको टाइमली दे देता है कि आप एग्जिट करने के लिए पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसने तो एग्जैक्टली इधर ही एग्जिट बता दिया था, तो आपने इधर अच्छा खासा मूव कमा लिया था, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको एग्जिट करना है होल्डिंग के लिए एक ही। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच कम्स इन द ट्रेडिंग इज दैट पीपल कांट होल्ड ट्रेड, ये इतना बड़ा होल्ड ट्रेड होल्ड कोई कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो हाइकिनेशी कैंडल तो है ही, हाइकिनेशी कैंडल में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हाइकिनेशी को भी बंद कर दीजिए, अब 5 EMA लगा दीजिए। तो 5 EMA कितना स्मूथ ट्रेड है ये देखिए, और आपको ट्रेल करना है तो आप जो पुल बैक्स है देखिए, जैसे ये वाला है, ये पुल बैक है, ये हमारा नया SL बन गया, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितने भी पुल बैक हो रहे हैं, यस जितने भी पुल बैक हो रहे हैं उसको SL लगा दीजिए। लाइक मैं आपको यहाँ से समझा पाऊंगा, देखिए ये पहला डाउन मूव आया इसका पुल बैक, तो ये हमारा ट्रेलिंग SL पहला, फिर डाउन मूव आया ये अप मूव, सेकंड ट्रेलिंग SL इधर लगा दीजिए, फिर थर्ड डाउन मूव आया इसका अप मूव आया ट्रेलिंग SL ऐसा, पर जब ये चौथा मूव आया इसने ट्रेलिंग SL को हिट कर दिया, मतलब अपना ट्रेड क्लोज हो गया। इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, विच विल बी इमोशन फ्री ट्रेडिंग, ओके। तो आते हैं बैक टू दिस। मोस्टली क्या होता है कि इतने बड़े जो पोजीशन होते हैं लोग होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, इतना बड़ा ट्रेड, तो उसके लिए ही ये सॉल्यूशन है कि आप प्राइस को ही बंद कर दो। प्राइस ही द रीजन है हमारे रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री और एग्जिट का। तो हम खाली अब EMA को देखेंगे, 5 EMA जो कि प्राइस को ही रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ओके। आप अगर थोड़े अच्छे ट्रेडर हैं तो हाइकिनेशी लगा के थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए तो मैं यही गाइड करूंगा कि आप ये लगा दीजिए और ये क्रॉस का वेट कीजिए, और जब वो नजदीक आने लगे तो आपको ट्रेड से निकलना है।
और दूसरा एक लेवल भी है यहाँ पे, देखिए 60 का लेवल जब अचीव हो जाता है मोस्टली तो वो रिटर्न मार देता है यदि एक्सेप्ट, मतलब अब ये क्या करेगा, यहाँ से डाउन जाएगा तो ये डाउन जाएगा तो ये अप जाएगा प्राइस, और फिर नया यहाँ पे जो इंडिकेशन बनेगा वो उस हिसाब से मोस्टली आई प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि 200 से मोस्टली प्राइस अप जाता है। देखिए आप चांसेस ये है कि ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका जो टारगेट है जो मैंने बताया था 79,800 वो तो पेंडिंग है, लेट्स सी जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि 39,800 का प्राइस जो है वो अभी तक अच्छा ही नहीं हुआ है, तो शायद नेक्स्ट रनअप में वो कर दे जब यहाँ से पुल बैक हो। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डे क्लोज हुआ है वो डाउन साइड के पे हुआ है मोस्टली, आई थिंक या डाउन साइड पे भी क्लोज है। यस, ये जो कैंडल देखिए रेड कैंडल बना है, तो मोस्टली यहाँ पे लोगों ने ना शॉर्ट किया होगा, तो अगर ये कल गैप अप खुलता है तो वो शायद से कोशिश करेंगे अपनी कवर करने के लिए पोजिशन, सो हमारे को हमको एक शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है विच कैन गो टिल 39,800 में भी, लेट्स सी कैसे जो रहता है दिन कल देखते हैं। ऑलराइट, सो यही जो स्ट्रेटेजी है आई वांटेड टू डिस्कस विच गेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें देखिए आपको एक ही बात याद ध्यान रखना है कि आपको कोई ट्रेड में, जैसे ये ट्रेड में मुझे पैसा नहीं मिला, और अगर मैं ये पोजीशन में बोलता नहीं भैया ये अभी नीचे गया है, एक बार उसने पुल बैक किया था तो इधर से भी करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर क्रॉस दिख जाए तो आपको एक्सिट आंख बंद करके कर देना है, आप मार्केट से लड़िए नहीं, उनसे रिवेंज मत लीजिए, मार्केट जो बोल रहा है रूल बेस्ड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कीजिए। सो ये अगर क्रॉस दिख गया तो आपको एग्जिट करना ही है, और हाँ एक और चीज, ये जब कैंडल वर्क कर रही है तब नहीं एग्जिट करना है, कैंडल अगर क्लोज हो गई और आपको क्रॉस दिख गया तब जाके आपको एग्जिट करना है ना, क्योंकि ऐसा हो पॉसिबल है कि वो कंटिन्यूसली क्रॉस करते रह सकता है जब तक 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो, बट जब मोस्टली ऐसा भी होता है कि इसे यहाँ टच किया फिर रिटर्न वापिस से नीचे चला गया, तो क्लोजिंग पे कैंडल क्लोज हो जाए और ये क्रॉस हो जाए तब आपको एग्जिट करना है। वैसे तो अलर्ट ये दे ही देता है कि जब वो दोनों पास आने लगते हैं तब समझ में आ जाता है कि निकलने का टाइम आ गया है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग एडीएक्स पे हो सकता है अगर आप चाहें तो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब ये नीचे आते हुए जो यू शेप जो बनता है वो मोस्टली अच्छा ट्रेड होता है। यही ट्रेडिंग जो सिस्टम था जो मेरे लिए वर्क कर रहा है, आई वांटेड टू डिस्कस एंड शेयर विथ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो अर्न, एंड मैं कहता हूँ कि ये प्राइस को ऑफ ही रखिए, क्योंकि इमोशन बेस्ड जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है उसमें फ्रिक्वेंट एग्जिट और एंट्री होती है, उससे हमको कुछ मिलता नहीं अंत में, तो एक ऐसा सेटअप रखिए कि आपके 3 SL दिन में हिट हो रहे हैं तो आपको एग्जिट करना ही है, सो इस तरीके से काम कीजिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा सिस्टम, और मैं आपको एक स्टॉक पे भी बता देता हूँ, ये मैंने कल एक सेटअप फाइंड किया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये यू शेप बन रहा था और ये ग्रीन क्रॉस था यहाँ पे, और ये 30 के नीचे था, पर यहाँ पे 35 का लेवल रखती हूँ, क्योंकि 35 का लेवल इज वेरी गुड इन स्टॉक एंड 30 का लेवल इज वेरी गुड फॉर इंडेक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे आप एंट्री रखते हैं और इसका क्रॉसिंग डाउन इधर हुआ, यानी इतना बड़ा आपका पोजिशन 730 से 780 तक का ट्रेड बहुत बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में भी और इसको यूज करके, और इसमें आप थोड़ा अगर बड़ा टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं 1 आवर पे भी जा सकते हैं, 1 आवर पे और भी अच्छे आपको इसमें कम ट्रेड मिलेंगे, जैसे ये देखो ये ट्रेड मिला है यू शेप बनते हुए और इसने 660 से 780 दिया है, यहाँ पे एक ट्रेड था नीचे से जो बड़ा था उसने आपको समझ लो आप इधर भी एंट्री करते, यहाँ पे भी 663 से भी इसने आपको यहाँ तक 680 तक का लेवल दे दिया था यहाँ से यहाँ तक का, सो स्टॉक्स पे भी यूज कर सकते हैं और ये मल्टी टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, 200 को कंबाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा, और अगर आपको ये सिस्टम पसंद नहीं है एग्जिट का जब वो क्रॉस हो जाए तब, तो आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए जैसे ये ऊपर जा रहा है तो अगर ये 2 क्लोज आपको दिख जाए 5 EMA के नीचे तो आप एग्जिट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आप अर्ली एग्जिट कर पाएंगे इससे। ओके, सो ये एक चीज है 5 मिनट्स का, एंड 200 के आसपास आए तो आई वुड सजेस्ट की कर ही दीजिए, और जो अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं वो 200 से अवे के साइड पे नीचे के साइड मिलते हैं और 200 से ऊपर के साइड पे अच्छे मिलते हैं इफ मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो अपोजिट वाइज एंड वर्सा आप समझ के चलिए। राइट,
तो अभी इसमें देखने लायक चीज ये है, आपको मैं एक मेथड भी बताता हूँ जो कि आपको वर्क करेगा समझने के लिए कि मार्केट कर क्या रहा है। देखिए आप, मैं प्राइस को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे आपको ट्रेल कैसे करना है, तो ये आपने समझ लो, ये इसके बेसिस पे यहाँ पे एंट्री ले ली यू शेप के पर यहाँ पे। ओके, तो ये पहला पुल बैक आया, इसके नीचे एक ट्रेलिंग एसएल डाल दीजिए, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपका ट्रेड कैंसिल। फिर दूसरा पुल बैक ये आया, ओके, दूसरा पुल बैक ये आया, तो यहाँ पे एसएल डाल दीजिए। तो जितने भी पुल बैक आ रहे हैं, अभी देखिए ये आप देखेंगे इधर भी है, हल्का सा पुल बना ही है, छोटा सा पुल बैक, तो अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो आप एक्सिट कर सकते हैं। ये भी एक डाउ थियरी की हायर हाई बन रहे हैं, एंड इवन डाउ थियरी में ये भी बोला गया है कि आपको कैंडल का साइजेस से भी पता चल जाता है क्या हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, देखो ये अप मूव है, फिर उसका कंसोलिडेशन, फिर अप मूव सेकेंड, तो देखिए हर बार अप मूव कितना बड़ा है, पर यहाँ पे जो अप मूव हुआ है उसका जो अपसाइड था इतना छोटा था, तो यहाँ से इंडिकेशन आ रहा था कि अब जो नेक्स्ट अप मूव आ रहे हैं वो छोटे आ रहे हैं या और वो हाई को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, यानी कि यहाँ पे ट्रेड खत्म होने के कगार पे ही है। ऑलराइट, तो पुल बैक्स को देख के आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये एक ट्रेड है, यहाँ पे पुल बैक हुआ, कोई बड़ी कैंडल के लो को भी आप एसएल मान सकते हैं, ये पुल बैक को नहीं तोड़ता है मोस्टली। देखिए ये पुल बैक आया, यहाँ पे सेलर्स ने सेलिंग करने की कोशिश की तो यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर यहाँ पे भी सेलिंग करने की कोशिश की फिर बायर्स आ गए, फिर सेलिंग करने की कोशिश की बायर्स आ गए, तो बायर हाई को नहीं क्रॉस कर पाए, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आ गया था कि भाई अब ये शायद से ब्रेक नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे देखो एक पुल बैक आया, यहाँ पे बायर्स आ गए, तो ये अच्छा खासा ट्रेड था, अगर आप चाहते तो कंटिन्यूशन था। तो देखिए ये एक पुल बैक, ये बाइंग, बट ये इसने इस पुल बैक को तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स आए थे उनको फेल कर दिया, इसलिए ये डाउन हो आया। तो ये डाउ थियरी है कि हम जब सेलर्स आ रहे हैं उसके बाद जो बायर्स का रिएक्शन है, तो बायर्स जहां पे आए उसको आप पोजीशन को मार्क कर दो, अगर वो पोजीशन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड खत्म हो रहा है। जैसे ये सेलिंग आया फिर उसके बाद बायिंग आया, तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की जगह ऐसे ब्रेक हो गया रहता तो हम समझ लेते थे ये ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो ये हायर हाई लोअर लो का फंडा है, और साइजेस ऑफ कैंडल देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड बन रही है, तो समझ जाना चाहिए कि बड़ी रेड बन रही है मतलब ट्रेंड खत्म होने वाला है, और यहाँ पे बड़ा ग्रीन बनने लगे मतलब अप का स्टार्ट होने वाला है। राइट, यहाँ पे देखिए ये रेड की बड़ी बड़ी बन रही थी पर सडनली ग्रीन की बड़ी बनने लगी, तो यहाँ पे ट्रेंड एंडिंग का ये सिग्नल है। इस तरीके से आप डाउ थियरी के बेसिस पे एग्जिट और एंट्री डिसाइड कर सकते, एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं स्पेशली, पर मैं तो बोलूंगा आप इसको क्रॉस ही रखिए, ईएमए को फॉलो कीजिए और इसको फॉलो कीजिए क्रॉसिंग को, और आप जो करीब आने लगे तो आप अलर्ट रहिए। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम आई होप आपको हेल्प करेगा। आप मैं प्रोबेबली ऑप्शंस में सेलिंग करता हूँ, जैसे अगर ये अप मूव रहता है मैं पुट सेल कर दूंगा, बिकॉज ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर टाइम पास भी हो गया, देखो ये अप मूव में टाइम पास भी हो गया तो भी पैसा मिल जाता है, तो ये आपको समझना है। इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग, थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।